तो फिर स्टिमुलेटेड रेट में ये काम करना चाहिए, शहर का 110 करोड़ रुपया बचाना चाहिए, ये लोक प्रतिनिधि होने की ऐसे से दोनों शख्स की जवाबदारी है। तो ये एक हफ्ता पहले ऐलान करते हैं कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, फिर कमिश्नर के साथ प्रशासक ये शहर के लिए घातक है, बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, और मैंने ये तक कहा था कि करप्टेड आदमी है, इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये जेल जा चुका है। तो क्या यही टेंडर के लिए मीटिंग थी क्या? क्या सब कंप्रोमाइज हो गया क्या? ये कुछ कमिटमेंट हो गया क्या? ऐसा सेंट्रल पावर मध्य और बाह्य के दोनों आमदार महोदय ने, मंत्री महोदय ने यूट्यूब चैनल के तमाम ही हमारे साथी, मैं मेरी जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की पत्रकार परिषद जो आज अर्जेंट में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार परिषद बुलाई है, ये मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ में और मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टेंडर कमेटी के खिलाफ में और प्रशासक के खिलाफ में। आप लोग को पता है कि इसी जगह पर 2 से 3 मर्तबा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और मालेगांव शहर की आवाम के सामने और मीडिया के सामने और प्रशासन के सामने जो भ्रष्टाचार प्रशासक द्वारा और कॉर्पोरेशन में जो चल रहा है, बार बार हमने आवाज उठाने का काम किया है। और अंडरग्राउंड ड्रेनेज हुयारी गटर के संदर्भ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और उस वक्त तो भी हम लोगों ने जो जो मुद्दे थे, जो जो शक था, आशंका थी, हमने अव्वल दिन से ही शहर की आवाम के सामने, प्रशासन के सामने और आप लोगों के सामने बात को रखने का काम किया है। मालेगांव शहर में 419 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी आई और जीएसटी मिलाकर ये टेंडर 500 करोड़ रुपए में गया है। उसका टेंडर कॉल हुआ, पहला टेंडर कॉल हुआ, रीटेंडर हुआ और सेकंड टेंडर जो कॉल हुआ, तकरीबन ये 6 महीने से प्रोसीजर चल रही है मालेगांव महानगर पालिका में। लेकिन सेकंड टेंडर जब कॉल हुआ तो उसका सबमिशन की, टेंडर दाखिल करने की जो टाइम था वो 14 अगस्त था और उस वक्त तो 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया 14 अगस्त को, अभी 3 महीना कंप्लीट हो जाएगा और 3 महीने तक कॉर्पोरेशन के प्रशासक और टेंडर कमेटी ने वो टेंडर 3 महीने तक 4 टेंडर खोला ही नहीं। उसके लिए पीआईएल भी दाखिल की गई हाईकोर्ट में, उसके लिए पत्र एवार भी सरकार तक किया गया, एडी तक गए, एंटी करप्शन तक हम लोग गए। कल टेंडर खोला गया, 4 कंपनी ने टेंडर दाखिल किया था, एलोरा साइकार कंस्ट्रक्शन कंपनी जो औरंगाबाद की थी, ईगल एलोरा साइकार कंपनी है जो वो औरंगाबाद की, मैं बोल रहा हूं ना, मेरी कंप्लीट हो जाने दो, एक औरंगाबाद की ईगल जो कंपनी है वो कल्याण उल्लासनगर की और एक कंपनी अंकिता जो गुजरात की थी और एंडो
जो नागपुर की, ऐसी चार कंपनी ने टेंडर भरा था और कल दो टेंडर ओपन किए गए चार में से। एगल वाले को टेंडर उसका ओपन किया गया और उसने जो टेंडर भरा था उसने 42% आबो यानी 500 करोड़ रुपए से 700 करोड़ रुपए का टेंडर वो उसने भरा था, मांगा था। नंबर एक जो टेंडर कल ओपन हुआ। नंबर दो जो इंडो है, इंडो इंजीनियरिंग जो है, जो कंपनी है वो नागपुर की है, 22% आबो यानी 110 करोड़ रुपया जायद 500 करोड़ रुपए से, 500 का टेंडर उस बंदे ने 610 करोड़ रुपए में टेंडर मांगा और उसको कल टेंडर मिल गया। यानी 42% वाला ज्यादा था और इंडो वाला 22% था, उसको कम दर था, इसके लिए वो टेंडर उसको कल मिल गया। ईगल वाले ने 700 करोड़ का भरा, उसका 42% आबो था। हाँ, और फिर दूसरा किसका बोले तुम लोगों ने? इंडो, उसको दिया गया 22% आबो। नागपुर 22% आबो वालों को टेंडर कल दे दिया गया। और दो कंपनी कुछ टेक्निकल कारण से, मुझे उसमें डीप में नहीं जाना है, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग उनको समझे क्या करना है, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से एलोरा जो औरंगाबाद की थी और अंकिता जो गुजरात की थी उसका टेंडर इन्होंने ओपन नहीं किया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, रद्द कर दिया। और ये जो कल जो टेंडर ओपन किए गए, अब मुझे बताओ, मैं इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दो मर्तबा लिया, उस वक्त तो मैंने ये शहर के सामने आप लोगों के सामने ये कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करने के पूरा संयंत्र रचा जा चुका है, 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर कॉरपोरेशन मंजूर करने जा रही है, टेंडर ओपन हो चुका है, जो भी अब वो नेगोशिएशन होगा क्या होगा ठीक है, 2% कम होगा, 4% कम होगा, बहरहाल 100 करोड़ का तो नुकसान जायद के अंदर टेंडर देगी और ये शहर का नुकसान होगा। नंबर एक इंडो को कितने का है टोटल फिगर, 610। मेरी ना लिंक टूट जा रही, थोड़ा सी तुमको मैं डिटेल और अलग से दे देता। नंबर एक। नंबर दो, 500 करोड़ में से मालेगांव महानगर पालिके का हिस्सा 150 करोड़ हम लोगों को पहले ही देना था जनरल फंड से, उसमें ना स्टेट गवर्नमेंट पैसा देने वाली थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी, 500 में से 150 करोड़ कॉरपोरेशन का यानी आवाम का पैसे का हिस्सा पहले से ऐसी स्कीम थी। और 150 और अभी अब यह आबो टेंडर दिया जा रहा है 110 का, यानी मतलब 260 करोड़ रुपया जर्नल फंड से मालेगांव महानगर पालिका से जर्नल फंड से हमारा हिस्सा देना है। यह आबो जो टेंडर जाता है 100 करोड़ 110 करोड़ जो जायद मांगा गया है, ये स्कीम मंजूरी के वक्त में साफ तौर पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि टेंडर आबो जाएगा तो स्थानिक स्वराज्य संस्था यानी जो एजेंसी है कॉरपोरेशन उसको अदा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता। एक स्कीम के अंदर 260 करोड़ रुपया ये आवाम का पैसा लगाने के प्लानिंग के है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार प्रशासक द्वारा टेंडर कमेटी द्वारा किया जा रहा है। हमारा यही मुतालबा था कि तुम चार कंपनी आई, कंपटीशन हुआ है, तुम चारों टेंडर ओपन करो, हो सकता है
कि जो दो कंपनी का टेंडर रद्द किया गया वो इससे कम का हो, किसी ने 10 तक का भरा होगा, किसी ने 15 या किसी ने 19 या हो सकता है ज्यादा भी भरा होगा, लेकिन आवाम के सामने, जनता के सामने ये बात तो साफ आना चाहिए था कि 4 टेंडर आए, ओपन पॉकेट होना था। इसका मतलब दो कंपनी, ये मैनेज टेंडर है, ये मैनेज टेंडर है, और उनको टेंडर ये दो कंपनी को इंडो को देने के लिए पूरा संयंत्र रचा गया, और कमिश्नर की, प्रशासक की, टेंडर कमेटी की इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है जब तक उसको पॉलिटिकल संरक्षण आशीर्वाद नहीं होगा, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। मुझे शक है, मैं इल्जाम लगा रहा हूं कि मध्य और बाह्य के लोग प्रतिनिधि तो नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व है और इनका तो नहीं आशीर्वाद है, और नहीं तो ये दोनों लोग प्रतिनिधि मध्य और बाह्यों के, इन्होंने इसका खुलासा जनता के सामने करना चाहिए, और नहीं तो मेरे जैसा शख्स तो यही समझेगा कि इनके आशीर्वाद से यह भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके लिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये एक कंप्लीट हुआ। मैं बार बार बोलता हूं का प्रशासक ये शहर के लिए घातक है, बार बार बोलता हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, और मैंने ये तक कहा था कि करप्टेड आदमी है, इसके ऊपर एफआईआर हुई है, ये जेल जा चुका है, मुंबई हाई कोर्ट ने भी इस शख्स की जमानत रद्द की थी, इसके ऊपर 112 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है, वो शख्स को यहां लाकर बैठाया गया और ये भ्रष्टाचार कर रहा है, और पूरी कारपोरेशन का बैलेंस अकाउंट का पूरा बिगाड़ चुका है, और ये शहर को, इस शहर की आवाम का, आवाम को आने वाले दिनों के अंदर भुगतना पड़ेगा, इसका ऑर्डर होगा, ट्रांसफर होगी, चला जाएगा। ये जिम्मेदारी अगर मैं एक सियासी पार्टी का शख्स नुमाइंदा हूं तो और भी सियासी पार्टी और भी लीडरान की जिम्मेदारी है ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को शहर से हकालना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करना चाहिए। ये मैं बार बार मुतालबा करते रहा और बोलता हूं, ये कि चोर आदमी है। जुमा के दिन 4 तारीख को, यानी ये 2 दिन पहले, बालाजी एक कंपनी है जो मेडिसिन का, हॉस्पिटलों के अंदर मेडिसिन, दवा गोली, सलाइन, और हॉस्पिटलों के अंदर जो सामान लगता है उपचार के लिए, उसका टेंडर कॉर्पोरेशन ने निकाला था, एक बालाजी कंपनी ने भी टेंडर भरा था, और दूसरा ओम मेडिसिन, उस शख्स ने भी टेंडर भरा था, और ऐसे 7 कंपनी ने टेंडर भरा था, सालाना वार्षिक टेंडर होता है, उसमें से 5 कंपनी को यह बोलकर रिजेक्ट किया गया कि ये डॉक्यूमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, उसको बाजू में कर दिया गया, और उसके बाद लास्ट में टेंडर खोलने से 2 दिन पहले एक शुद्धि पत्रक कॉर्पोरेशन निकालती है, और ऐसे डॉक्यूमेंट बालाजी कंपनी से मांगे जाते कि वो सादर नहीं कर पाता जबकि टेंडर में नहीं था, उसका भी टेंडर नहीं खोला जाता, और वो शख्स मुंबई हाईकोर्ट के अंदर इंसाफ के लिए गया, और ओम मेडिसिन को इन्होंने टेंडर दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया, 1.5 करोड़ की, 1,40,00,000 की मेडिसिन सप्लाई भी उससे करवा लिया, और वो टेंडर अगर 5 रुपए की, एक मिसाल सिर्फ मैं दे रहा हूं, 5 रुपए की अगर एक गोली वो सप्लाई करता है, बालाजी वाला करता था पहले, ये शख्स ने उसका रेट डाला 20 रुपया, यानी जहां सालाना एक अंदाज के मुताबिक 1 करोड़ का अगर हमको दवा गोली लगती है तो ये उसका कितने पट टेंडर भरा था, ये आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। ये मुंबई हाईकोर्ट में गया, चीफ जस्टिस जो है मुंबई हाईकोर्ट के, उन्होंने फैसला दिया 4 तारीख को जुमा के दिन, देवेंद्र कुमार चीफ जस्टिस है, डबल बेंच का आरिफ एस डॉक्टर, ये 2 जज बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला सुनाया कि अगर ओम वाले का तुमने टेंडर भी दे दिया, वर्क ऑर्डर भी दे दिया, माल भी उसने सप्लाई कर दिया, तो तुम
बालाजी का टेंडर ओपन करो, ऐसा ऑर्डर दिया, डायरेक्ट स्पष्ट ऑर्डर दिया कोर्ट के, ऑर्डर टेंडर ओपन करो, अगर उसका कम दर का टेंडर होगा तो उसको टेंडर दो और कोर्ट के अंदर उसकी रिपोर्ट सबमिट करो, ऐसा बिल्कुल साफ तौर पर यह कमिश्नर प्रशासक के मुंह पर यह हाईकोर्ट का तमाचा है, ये चोरी पकड़े जा रही है, भ्रष्टाचारी पकड़े जा रही है, यह भी एक भ्रष्टाचार सामने आया और यह साबित हो गया। इसी तरीके से दलित बस्ती स्कीम से कई करोड़ रुपए के काम 6 महीना पहले टेंडर सबमिशन होते हैं, सिर्फ वो 3 पैकेट नहीं आते, मैनेज नहीं होता, कॉम्पिटिशन हो जाता है, तो वो टेंडर 6 महीने नहीं खोले गए। दलित बस्ती का कायदा कितना सख्त है, उसके बाद भी टेंडर नहीं खोले गए और वो कंप्रोमाइज नहीं हो पाया, ठेकेदारों को दम दिया गया वापस ले नहीं लिया गया, तो आखिर में वो टेंडर भी रीटेंडर कर दिया गया। ऐसे मैंने कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूं। ये भ्रष्टाचारी कमिश्नर को यहां से उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, टेंडर कमिटी की इंक्वायरी होना चाहिए। वो टेक्निकल बात है, वो ठेकेदार कॉन्ट्रेक्टर वो लड़े, लेकिन हम जैसे साधक जो हमको दिख रहा है कि 4 टेंडर आए, अगर खुलते तो हो सकता है कि कॉर्पोरेशन का फायदा होता, शहर की आवाम के पैसे का नुकसान नहीं होता, बैतुल माल की हिफाजत होती। लेकिन अगर बैतुल माल की हिफाजत का नारा देने वाले ही अगर अपने घर के ऊपर कमिश्नर को बैठा लिए, बैठा कर अगर उससे मीटिंग करने लगेंगे और प्रेस में जलसों के अंदर ये कहेंगे कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ का जो नारा देते, क्या आप इसके ऊपर वो मुंह खोलेंगे? क्या कमिश्नर को भगाना और शहर बचाने की बात करने वाले क्या रास्ते पे आएंगे? ये सवाल अभी शहर की आवाम के सामने है। बाह्य विधानसभा के आमदार और पालक मंत्री महोदय से भी मेरी विनंती है कि आप हर अपने भाषण के अंदर आप बोलते हैं कि शहर का विकास, शहर का डेवलप हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आप शहर का विकास, शहर का डेवलप का नारा तो बहुत लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हो? मेरी विनती है मंत्री महोदय से कि ये 110 करोड़ रुपया जायद का टेंडर को रद्द कराओ, नया टेंडर निकालो। जब मानेंगे आपकी भी नियत साफ है, और नहीं तो हम भी मानेंगे कि आपके आशीर्वाद से यह हो रहा है, ऐसा मुझे शंका है, ऐसा मेरा इल्जाम है। और मैं इस प्रकरण के अंदर मैं लोक आयुक्त तक गया हूं, हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल है असलम अंसारी साहब की, ईडी के अंदर मैंने कंप्लेन किया हूं, एंटी करप्शन में किया हूं, यह लड़ाई तो मैं लड़ूंगा। अभी सब डॉक्यूमेंट हम कॉर्पोरेशन से मांग रहे हैं, क्या क्या इन्होंने किस बुनियाद पे सब कर रहे हैं भ्रष्टाचार, पेपर हाथ में आने के बाद तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन जरूर अब यह लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर, आंदोलन के माध्यम से भी होंगी और यह लड़ाई हम आखिरी तक लड़ते रहेंगे, ये शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए। हमारे देश को आजाद होने के लिए 75 वर्ष हो गए, हमने अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना के रखा था, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नेताओं ने, सभी धर्म, सभी समाज के नेताओं ने इस देश को आजादी दिलाई, लेकिन प्रशासक द्वारा ये शहर के अंदर, मध्य भाग के अंदर खास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये कमिश्नर की मुखबरी करते हैं, ये कमिश्नर के खबरी है, जैसे अंग्रेजों के भी खबरी हुआ करते थे, ये कमिश्नर के खबरी है और ये शहर को कमिश्नर के पास गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे होने नहीं देंगे, किसी को 5 करोड़ का बजट, किसी को 1 करोड़ का, किसी को 50 लाख का बजट देकर जो कमिश्नर अपने कब्जे में करता है, लेकिन ये शहर का, मैंने कहा था इससे पहले भी कि 500 से 700 करोड़ का इसने लॉस कर चुका है, खड्डे में डाल चुका है, और मैं इस बात पर आज भी कायम हूं। और मेरा चैलेंज है कि हम तो यहां पर बैठे हुए कोई इंजीनियर नहीं है, टेक्निकल नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस है, समझता है,
कॉर्पोरेशन समझती है, इसके लिए कमिश्नर को चैलेंज है कि तेरे सब इंजीनियर को लेकर टेक्निकल बैठ और तेरे जितने ऑडिटर होंगे अकाउंटेंट होंगे सबको सामने लेकर बैठ, न तो हम ये शहर के अंदर साबित करेंगे कि तू जब से आया है ये शहर को तूने 500 से 700 करोड़ रुपए में तूने खड्डे में डाला है, शहर का नुकसान किया है, और नहीं तो तू ये पद से राजीनामा देना, और नहीं तो मैं आज बोलता हूं दावे के साथ, न तो मैं सियासत से राजीनामा दे दूंगा, न तो जितने इंजीनियर बैठेंगे उन्होंने राजीनामा देना और नौकरी छोड़ के घर जाना। लेकिन लेकिन एक्सपीरियंस जो यहाँ पर 6 महीने तक अगर एक प्रिजनर निकलता है और नहीं खोला जाता है उसको देरी जान को सीखी जा रही है, और जो मालूमात हमको मिल रही थी तो हमको ये शंका थी 100 करोड़ से ज्यादा आबो और भ्रष्टाचार की तैयारी है। इसके लिए मैंने रड़ने से ये बात बोला था। अब कमिश्नर को कुछ मीडिया वालों ने सवाल पूछ लिया तो जलबलाया हुआ इंसान जो रहता है तो उसने जब भाई घबराया बोल दिया, लेकिन मेरी मालूम है बाद में अफसोस नहीं। बहरहाल ठीक है, सवाल जवाब होते हैं, सवाल जवाब होते भी रहना चाहिए, यही जमहूरियत की खूबसूरती है। लेकिन आज ये शहर और आप लोग ये देख रहे हैं कि मेरी बात सही साबित हो, और अब कमिश्नर ने कमिश्नर अगर ईमानदार है तो एस्टिमेट रेट के अंदर ही काम देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपके ही अखबार के अंदर एक खबर छपी, मैंने पढ़ा कि जुमा के दिन आमदार साहब के वहाँ कमिश्नर साहब बैठे हुए थे, आपके ही अखबार के अंदर खबर छपी। तो ये एक हफ्ता पहले ऐलान करते हैं कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ, फिर कमिश्नर के साथ मीटिंग करते हैं, तो क्या यही टेंडर के लिए मीटिंग थी क्या? क्या सब कंप्रोमाइज हो गया क्या? ये कुछ कमिटमेंट हो गया क्या? ऐसा शंका मुझे आज भी है। तो अब मध्य और बाह्य के दोनों आमदार महोदय ने, मंत्री महोदय ने ये स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हमारा आशीर्वाद नहीं है, और अगर आशीर्वाद नहीं है तो फिर एस्टिमेटेड रेट में ये काम करना चाहिए, शहर का 110 करोड़ रुपया बचाना चाहिए, ये लोक प्रतिनिधि होने के ऐसे से दोनों शख्स की जवाबदारी है, और नहीं वो नहीं करेंगे। लेकिन हमारी अपनी पॉलिसी बिल्कुल साफ है कि अब ये रास्ते के ऊपर ये लड़ाई और कानूनी तौर पर भी लड़ी जाएगी। आशीष साहब, एक सवाल है मेरा, जो औरंगाबाद की एलोरा कंपनी है इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि मालेगांव शहर के कुछ ठेकेदार उस कंपनी में शामिल है, उन्होंने इसलिए टेंडर उसमें भराया, तो इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्टर, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, और ना यहाँ बैठे हुए कोई शख्स मालेगांव म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉन्ट्रैक्टर है। हमारी सिर्फ लड़ाई यह है कि मालेगांव शहर का जनरल फंड का पैसा भ्रष्टाचार तो 100 करोड़ वो बचना चाहिए, ये लड़ाई है। अब कमिश्नर और कमेटी ने टेंडर क्यों रद्द किया ये वो दो चारों कंपनी जाने, दोनों कंपनी जाने, लेकिन जहां तक मेरी मालूम है कि मालेगांव शहर के ऐसे कोई भी शख्स इसके अंदर ठेकेदार नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अभी कुछ हमको आज हमने सवेरे से देखने के लिए कॉर्पोरेशन में भी गए हुए थे, तो उनका जो ज्वाइंट वेंचर है एलोरा कंपनी का, वो जॉइंट वेंचर औरंगाबाद और मुंबई से दोनों दो ठेकेदार ने मिलकर टेंडर डाला है, तो इसके लिए सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर शहर का ठेकेदार होता तो जाहिर सी बात है उसका भी जॉइंट वेंचर होता, या कोई डॉक्यूमेंट होते, ऐसा कोई नजर नहीं आया। 4 साल मुकम्मल हुए मैंने के साथ, तो मैंने बोले थे 367 करोड़ के काम उन्होंने किए, आप भी मैंने मैं
इसके ऊपर एक अलग से आपको दो तीन दिन में बयान देने वाला हूँ। तो ये हमारा जो मकसद जो पत्रकार परिषद का टर्न हो सकता है, दो दिन रुकिए। इसके ऊपर सिर्फ इतना ही मैं बोलूंगा कि हमारी है कि ये महीने के एंड में चार साल के ताल्लुक से ही हम अपोजिशन में हैं और जो झूठी झूठी बातें शहर के आवाम के सामने की जा रही है उसका जवाब देने हमारी जाएगी। लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर इनको दो दिन के बाद में सुपर फाइट दूंगा।